साथ हैं दीक्षा राहुल। दीक्षा पलवल से हैं, एक महत्वपूर्ण बात पता चली दीक्षा के बारे में, वो धमभूमि से भी जुड़ी हुई है। दीक्षा, जो 14 तारीख को चुनाव होने वाले हैं जेएनयू के अंदर, बापसा पिछले कई सालों से नंबर एक पर उभरती हुई पार्टी है, क्या कहेंगे बापसा के बारे में? देखिए, बापसा जो हुई 2014 में और 15 में हमने पहला इलेक्शन लड़ा, और जब हम पहले इलेक्शन लड़े थे तभी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, क्योंकि जेएनयू में पहली बार जेबीएम के नारे लगाए गए थे। जेबीएम के पहली बार नारे लगने से जो अपने लोग थे उनको एक स्पेस मिला ये सोचने का कि हमारे वोट कहाँ सही जाने चाहिए। और फिर दूसरी बार हम इलेक्शन लड़े, इतना इम्पैक्टफुल था वो इलेक्शन। और तीसरी बार जब हम इलेक्शन लड़े, लेफ्ट यूनिटी साथ था, हम सेकंड नंबर पे थे। इस बार हम सिर्फ और सिर्फ वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं कि 85% हम लोग बहुजन आइडल से चल रहे हैं, जो साहब कांशीराम ने दिया था। और साहब कांशीराम ने बोलते पीपल गेट द लीडरशिप व्हाट दे डिजर्व। इस बार जब हम अपने कैंपेन कर रहे हैं तो हम उनको बोल रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं कि तुमको जानना पड़ेगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ लीडरशिप यू वांट। साहब काशीराम हमें वोट का अधिकार बाजार में दिया, साहब काशीराम वोट का अधिकार सिखा दिया कि किस तरह यूज करना है, पावर ऑफ थंब हमें बता के गए कहाँ का इस्तेमाल करना है। और पहली बार साहब के कारण ही बहुजन सत्ता, तो जब बहुजन सत्ता बाहर आ गई है तो हमें स्टूडेंट्स को भी इतना, जब हम पढ़ते हैं और एजुकेट होते हैं अब हम ऑर्गेनाइज होंगे, बहुजन होंगे और सत्ता लेकर आएंगे जेएनयू में। बहुजन आइडियोलॉजी लेकर चल रही है, इस बार लेफ्ट और राइट ने भी देखे उनके बैनर्स पर भी बहुजन जो महाना है, बहुजन जो उनके फोटो लगे हुए हैं, तो इस बार सफलता ज्यादा टाइट रहेगी। तो इससे क्या, इनसे पता चलता है कि वो कैसा हमारे रैबरों का इस्तेमाल करते हैं, और इससे पता चलेगा कि वो चमचे हैं सबके सब। तो ये तो और अच्छा हुआ कि कम से कम उनको इतना डर है कि बिना बाबा साहब के आप बिना साहब कांशी में राजनीति नहीं कर सकते। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी, जैसे साहब कांशी हमने बोला, जब जब बहुजन अपनी आवाज उठाएगा, जब जब बहुजन एक साथ होगा, तब तब लेफ्ट और राइट एक जैसे हो जाएंगे। 14 तारीख को होने वाले छात्र संघ के चुनाव के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, और ये जेएनयू चुनाव के लिए नहीं, हर एक इंस्टीट्यूशन के लिए, हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए और बाहर भी, कि हम लोगों को सेग्रीगेट नहीं हो रहे, हमको SC ST OBC दलित नहीं रहना है, हम बहुजन है। जब जब हम बहुजन रहेंगे तब तक हम राज की बात करें, तब तक हम राज तभी हम राज स्थापित कर पाएंगे। जब तक हम OBC रहेंगे, SC रहेंगे, माइनॉरिटीज रहेंगे, हम कभी भी राज स्थापित नहीं कर सकते। हम हमेशा फुट सोल्जर्स की तरह लोग हमको इस्तेमाल करेंगे। तो मैं बस ये बोलना चाहूंगी, बाबा साहब ने हमको राइट टू वोट दिया और साहब काशीराम ने हमको पावर ऑफ थंब दिया, हमको उसको सही जगह इस्तेमाल करना पड़ेगा और बहुजन सत्ता स्थापित करनी पड़ेगी। साथियों, ये थी हमारे साथ दीक्षा राहुल, जिन्होंने बताया कि जेएनयू के अंदर होने वाले छात्र संघ चुनाव की रणनीति बादशाह की क्या रहेगी। बने रहे बहुजन मीडिया पर, आगे और भी लोगों से मिलते हैं। जय भीम।